गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला एक व्हाइट पीसी बिल्ड, जो एक क्रिएटिव पीसी बिल्ड हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने यूज किया है गीगाबाइट का एरो सीरीज का आरटीएक्स 4070 टीआई। तो किशन सर, ये कंप्लीट जो पीसी बिल्ड है बहुत ही प्यारा पीसी बिल्ड दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? ओंकार भाई, पहले इसकी ब्यूटी दिखा देता हूं आपको लाइट्स ऑफ करके। यार क्या बोलूं आपको, इसको देखिए यार, जब ये चीज देखते हो ना तो आपके दिल में दिमाग में एक नए ख्याल आते हैं कि यार क्या काम करूं क्या नहीं करूं, इसको देखते ही रहो। इतना प्यारा सा पीसी है, मतलब सुपर है। उसके अलावा ये देखो, ये एलईडी बटन से आपको जैसा चाहिए वैसा कलर चेंज करो, ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक, जैसा चाहिए वैसा कर लो। और मन भर गया ये कमाल भी कर लो, लाइट भी ऑफ हो जाता है, जो करना है वो कर लो भाई। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, जिस किसी कस्टमर को एक प्रीमियम 200K के बजट के अंदर एक सुपर लुकिंग प्लस परफॉर्मेंस 2K लेवल का गेमिंग, 4K लेवल का भी गेमिंग ऑलमोस्ट 70-80 FPS कुछ गेम्स के अंदर और बाकी कुछ गेम्स के अंदर भी काफी अच्छे FPS चाहिए, उनके लिए प्रीमियम सेगमेंट का PC रिकमेंड करूंगा। जिसके अंदर देखिए भाई 16 GB की दो RAM है, 5200 MHz की, इवन 6000 भी अगर आप लेते हो तो थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंट रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कि जिस कस्टमर को चाहिए वो और भी RAM अपग्रेड भी कर सकते हो। RGB वाला XPG का हमने RAM यूज किया 5200 MHz का। मेन स्टोरेज हमने यूज किया सैमसंग की तरफ से आने वाला स्पैचियम क्या नाम रखा है इन्होंने, स्पैचियम M461 NVMe SSD, जो 5000 MBPS तक की रीड एंड राइट स्पीड रहती है, ये वाली SSD यूज किया है। क्या क्या नाम रख दिया MSI ने, स्पैचियम, मैचियम। चलो हम तो बोलेंगे SSD NVMe Gen 4, वो वाली SSD यूज किया ताकि आपकी डाटा फास्ट से लोड हो जाए। और प्रोसेसर आते हैं भाई AMD Ryzen 7700X, प्यारा सा 8 कोर प्रोसेसर, 5.4 GHz मैक्सिमम टर्बो बूस्ट, मिनिमम 4.5 GHz तक रहता है भाई, काफी अच्छा प्यारा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए थर्मल राइट की तरफ से आने वाला एक्वा 360 व्हाइट लिक्विड कूलर यूज किया, लिक्विड कूलर काफी प्यारा है यार। इसके ऊपर जो ये पंप लिखा हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो जैसा दिखता है, काफी एक यूनिक दिखता है यार, इससे ज्यादा और क्या बोलो। आज भी ग्लो वगैरह सुपर रहता है। और इस पीसी का मदरबोर्ड जो हमने यूज किया, MSI की तरफ से आने वाला B650P वाईफाई सीरीज का मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड के अंदर वाईफाई आता है, ब्लूटूथ आता है, काफी बजट इकोनॉमिकल मदरबोर्ड है, हर तरह के गेमिंग पीसीज के लिए, एडिटिंग के पीसीज के लिए काफी मोर देन इनफ है। हालांकि ये मदरबोर्ड में अगर व्हाइट यूज किया होता तो और भी ग्लो आ जाता, लेकिन कस्टमर उतना इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था और MSI से वो सेटिस्फाइड था। अभी आते हैं भाई ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया गीगाबाइट की तरफ से आने वाला क्रिएटर RTX 4070 Ti Aero Edition ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, 4 इयर्स वारंटी रहेगा। आप खुद आप गीगाबाइट की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। सिंपलिसिटी देखो, हीट सिंक क्वालिटी देखो, सुपर रहेगा, थर्मल्स भी काफी अच्छा है। उसके अलावा गीगाबाइट की एक ग्राफिक कार्ड की स्पेशलिटी बताता हूं भाई, ये झुकेगा नहीं, मतलब वो वाला सिस्टम है, ग्राफिक कार्ड को झुकेगा नहीं, इसीलिए भाई ग्राफिक कार्ड तो झुक जाता है, कितना वेट है यार, ग्राफिक कार्ड का काफी वेट रहता है, इसीलिए इसके सामने ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये एंटी सैग ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, इससे ग्राफिक कार्ड मतलब झुकेगा भी नहीं। और उसके अलावा जब आपका यहाँ पर फैन वाला कैबिनेट्स रहता है ना, उनके लिए स्पेशली यहाँ पर आपको डिस्टरबेंस भी नहीं रहता। गीगाबाइट एरो की तरफ से आने वाला ये काफी अल्टीमेट प्रीमियम ग्राफिक कार्ड है, जो व्हाइट एंड व्हाइट लुक्स के साथ में दिखता है। इस पीसी के लिए पावर सप्लाई हमने यूज किया गीगाबाइट की तरफ से आने वाला अल्ट्रा ड्यूरेबल UD एडिशन, न्यू एडिशन 80+ गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई। इस पीसी के लिए हमने एक 2K लेवल का 144Hz का कर्ड या IPS पैनल का मॉनिटर, और ये वाला मॉन्टेक की तरफ से आने वाला कैबिनेट, ये एवरीथिंग एक 200K के बजट के अंदर बन जाता है। कैबिनेट आप स्पेशली देखो, जो इस कैबिनेट के अंदर फैंस है, ये आपको लग रहे हैं जैसे कि ये एग्जॉस्ट फैन जैसे कि, लेकिन ये रिवर्स फैन रहते हैं, यहाँ से एयर इनटेक के लिए है, ये एग्जॉस्ट के लिए, ये इनटेक के लिए खींचता है, ये दोनों फैन इनटेक, ये इनटेक और ये एग्जॉस्ट फैन रहता है, या टॉप से 360mm का एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। उसके अलावा इसके साथ में 4 जो प्री इंस्टॉल्ड फैन रहते हैं, टाइप सी और USB 3.0 के 2 पोर्ट रहेंगे, LED बटन से आप चेंज भी कर सकते हो। ग्लास आपको इस तरफ भी टेम्पर्ड ग्लास रहता है, यहाँ पर भी टेम्पर्ड ग्लास रहता है, बॉटम में मेश वगैरह काफी अच्छा दिया हुआ है, ऑलमोस्ट मैं बोलूं यार जो प्राइस में ये दे रहा है ना, कमाल है भाई। और ये जरा फैंस NZXT की याद दिलाते भाई, ये NZXT का H510 या H7 का किलर बोल सकते हैं, उससे काफी कम प्राइस में काफी अच्छे फीचर्स के सामने दे रहे हैं। और फैन की RPM भी भाई काफी अच्छी है, हाई प्रेशर वाले फैन से, ताकि आपका सिस्टम बिल्कुल भी हीट ना हो। और सर इसमें उन्होंने गीगाबाइट का पावर सप्लाई यूज किया भैया, अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि गीगाबाइट का क्यों यूज किया भैया। गीगाबाइट के अंदर सिंपल बात बताऊं, लॉजिक बताऊं या ऐसे बताऊं? लॉजिक वाला ये अल्ट्रा ड्यूरेबल जो पावर सप्लाई है, कोई भी पावर सप्लाई रहने दो, देखो कुछ लॉट प्रॉब्लम आए थे कुछ साल पहले, जिसके
अंदर, टाटा के अंदर भी प्रॉब्लम आया, महिंद्रा के अंदर भी प्रॉब्लम आया, इवन आप जो फोन यूज कर रहे हो आईफोन के अंदर भी प्रॉब्लम आया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई ब्रांड खराब है। कुछ मॉडल आए थे उनका रिकॉल हुआ था, लेकिन ये अल्ट्रा ड्यूरेबल जो यूडी सीरीज का पावर सप्लाई है ना, ये काफी एग्रेसिव पावर सप्लाई है। और सिंपल बात बता रहा हूँ, कोई ब्रांड का हम नेगेटिव नहीं बताते हैं भाई, पॉजिटिव है वही बताएंगे। और सिंपल एक बात बताऊंगा यार, प्रॉब्लम है नहीं है, अगर होता ना मेरे को ये कस्टमर को ऑलमोस्ट समझ लीजिए राजस्थान को मैं कुरियर कर रहा हूँ, मैं ये पावर सप्लाई नहीं बेचता हूँ, ओके ना। मुझे सर्विस की झंझट मारी नहीं चाहिए, लेकिन भाई प्रॉब्लम है ही नहीं है तो मैं उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूँ। हाँ, आपका भी कहना सही है कि वहाँ फूक रहा है, वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा होगा, मेरे साथ में तो मैं प्रॉमिसली बोल रहा हूँ एक भी इंसिडेंट हुआ नहीं। हाँ, अगर एक दो चार SMPS प्रॉब्लम आ भी गए, कंपनी ने रिप्लेस करके दिया है, हमारे को कोई दिक्कत है नहीं। इवन आपको जो एज पर मैन्युफैक्चरर रहता है रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है। और ये मैं बता रहा हूँ भाई, सिंपल बता रहा हूँ, ये कस्टमर से ही मैं पूछ के आपको वीडियो भी भिजवा दूंगा 1-1.5 साल के बाद में कि भाई मैं गीगाबाइट का पावर सप्लाई इतने साल से कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ। फाइनली ये एक और बात बता रहा हूँ, ये कस्टमर ने मेरे से 3-4 साल पहले RTX 2060 के साथ में बिल्ड किया था, गीगाबाइट के 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ में। 2.5-3 साल हो गया, सिस्टम जबरदस्त चल रहा है, डायरेक्ट उन्होंने अपग्रेड किया है कि 1080p लेवल से मुझे 2K 4K लेवल का गेमिंग के लिए। और गीगाबाइट उनको बोलते भाई मैं खुद यूज कर रहा हूँ 2-3 साल से, मुझे कोई इशू नहीं है, और मैं सेल कर रहा हूँ कोई इशू नहीं। भाई किसी का अगर प्रॉब्लम आ गया तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम आता ही नहीं, इवन हर ब्रांड के अंदर प्रॉब्लम आता है। कुछ लोग बोलेंगे MSI खराब है, कुछ बोलेंगे गीगाबाइट खराब है, कुछ बोलेंगे मॉन्टेक खराब है, कुछ बोलेंगे AMD खराब है। मैं तो बोलता हूँ लोगों की नीयत खराब है, ओके ना, जिसी को जो चाहिए वो बोल देते हैं, ब्रांड का आपसी कंपटीशन की वजह से ये करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑलवेज ऑल ब्रांड्स विल बी गुड, लेकिन किस सेलर से आप खरीद रहे हो। आप क्रिप्टो माइनिंग वाला MSI का ग्राफिक कार्ड खरीद लोगे, या मदरबोर्ड कहीं यूज्ड वाला नया बोलकर कोई सेलर चिपका दिया है या वैसा कर दिया है, इवन ना गीगाबाइट देगा, ना MSI देगा, ना ASUS देगा, कोई भी ब्रांड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस सेलर से आप खरीदते हो ये आपको एश्योरेंस होना चाहिए कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होने चाहिए और एज पर मैन्युफैक्चरर होने वाला चाहिए। Okay, और मैं तो एक फाइनल यही वर्ड बोलूंगा, अगर मेरा स्टोर से अगर आपने कोई भी गीगाबाइट का प्रोडक्ट खरीदा है, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ वारंटी सर्विस रिप्लेसमेंट दिलाने के लिए। फाइनल वर्ड ये रहेगा, गीगाबाइट और ASUS MSI ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इतने साल से टिके हुए हैं। ज्यादा इससे बारे में मैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा बोल दिया और क्या बोलो। टोटल PC बिल्ड का सर क्या प्राइस? 200K के अंदर ये बिल्ड बन जाता है विद मॉनिटर, 2K लेवल का मॉनिटर। ओके, थैंक यू सो मच किशोर सर। और गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग एक व्हाइट PC बिल्ड विद RTX 4070 Ti। आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस। बाय बाय।